most welcome dear student and candle of knowledge. Assalamu alaikum dear student, my name is Rahim Shah from IR department. Dosto, aaj hum seekhenge ki hamare paas jo new liberalism hai wo kya hai aur iske hamare paas jo thinker hai aur iske alawa jo main ideas hai wo kya kya hai, to aaj hum yahi janne wale hain. So let's come and get started. Okay, to new liberalism kya hota hai, kehte hain ki new liberalism acknowledge the realist claim. ये जो रीडर्स का जो क्लेम है, जो दावा है, वो क्या है कि दैट स्टेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि जो स्टेट होता है वो कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये जो न्यू लिबरलिज्म है वो ये तस्लीम करता है रियलिस्ट वाली जो उनका जो दावा है वो. ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं कि द प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म. न्यू लिबरलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. जो न्यू लिबरलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो थिंकर हैं, वो क्या कहते हैं, वो फोकस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं. दैट ये इसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं कि दे क्लेम दैट वी यूज नॉन स्टेट एक्टर और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड रेगुलेट द कोऑपरेशन एंड सिस्टम. देखिए जी, ये सिंपल सी बात करते हैं कि जो हमारे पास जो नॉन स्टेट एक्टर है उसका इस्तेमाल करके हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं और इसको रेगुलेट कर सकते हैं द कोऑपरेशन एंड सिस्टम, और जो सिस्टम है उसमें कोऑपरेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं. ये हमारे पास न्यू लिबरलिज्म का एक थॉट्स है, एक इसके आइडियाज़ हैं न्यू लिबरलिज्म के. और हमारे पास फिर हम देखते हैं कि इसमें अम्ब्रेला टर्म की बात करते हैं. इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, कहते हैं कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है दैट बिलीव्स इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. इन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो एमएनसीज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहते हैं कि ये टू प्रमोट द पीस एंड ग्लोबल चेंज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ये क्या करें, ये हमारे पास पीस को प्रमोट करें, ग्लोबल चेंज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और ये ग्लोबल चेंज लाएँ टू ब्रिंग इनकी प्रॉस्पेरिटी लाएँ. ये प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए हमारे पास MNCs और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ये तरजीह देते हैं न्यू लिबरलिज्म के जो थिंकर है, जो प्रोपोनेंट्स है, वो क्या कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं, पीस को ला सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी को ला सकते हैं. ये हमारे पास इनका ख्याल है. ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास फेमस थिंकर इसके हमारे पास जो पहला है वो है जोसेफ सिमियोल नाई. जोसेफ सिमियोल नाई जो हमारे पास है, ये पहला इसका थिंकर है. और जो दूसरा है वो हमारे पास रॉबर्ट ओ कोहन. रॉबर्ट ओ कोहन जो है ये हमारे पास इसका दूसरा थिंकर है न्यू लिबरलिज्म का. तो दोस्तों, ये था हमारे पास न्यू लिबरलिज्म, जो कहता है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसका इस्तेमाल करके हम पीस को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कोऑपरेशन को एंड इंटरनेशनल सिस्टम. जी, ये हमारे पास था न्यू लिबरलिज्म. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए. खुदा हाफिज़.